हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है और देखते हैं आज का ब्लॉग कैसे होने वाला है। तो ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मस्त मस्त ब्लॉग मेरे आते रहते हैं। तो चलो देखते हैं आज का ब्लॉग कैसे होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो मौसम तो सही चल रहा है, बारिश वगैरह नहीं हो रही, तो नॉर्मल ही चल रहा है। धूप थोड़ी तेज़ हो रही है, बाकी धीरे धीरे अब तो सर्दी आ जाएगी, तो दिन काफ़ी चेंज हो रहे हैं। तो चलो ब्लॉग को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, और बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे मेरे सारे ब्लॉग आप तक पहुंच जाएं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिए। चलो देखते हैं कैसा होने वाला है ब्लॉग। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ बनाने की, जैसा होता है आप शेयर कर देता हूँ छोटा मोटा करके। चलो तो गाइज देखो सब्जी कितनी हो चुकी है। ये बेल है ना, आपको दिख रही है ना, ये वाली पूरी फूल के। तो यहाँ पर दो ही पौधे हैं, आप लोग देख पा रहे हो, और ये सारी बेलें हैं। और ये वाला सही लग रहा है, ये वाला देखो कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे फूल ही फूल है, आप लोग देख पा रहे हो, ये मस्त लग रहा है पूरा। और यहाँ पर देखो ये बेलें और फूल मिक्स है, तो सब्जियाँ वगैरह काफ़ी लगती है इसके, ये फ़ायदा हो गया ना। अपने आप उगी थी यहाँ पे, हम तो पानी डालते रहते हैं बस। तो गाइज अभी ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, अभी तो मैं घर पर था और टाइम निकाल के ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो चलो देखते हैं कैसा होने वाला ब्लॉग। तो आज मैं प्रैक्टिस करूँगा शंख बजाने की। तो हमारे घर मंदिर में पापा जी सेवा करते हैं, तो मेरे को आता नहीं अब जाना। तो मैंने प्रैक्टिस करी एक दो बारी, तो मेरे से नहीं हुआ। तो आज मन करे तो प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ना होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, फिर ही बजता है। तो चलो ट्राई करेंगे। हमारे घर में तो है, ढोलक है, हारमोनियम है और शंख भी है, सब कुछ है बजाने के लिए। तो हम तो उसी से रिलेटेड करते हैं। तो चलो ट्राई करके देखूँ मैं, तो आपको सीखने को मिलेगा। तो बाकी सीख जाऊँ तो आपको प्रॉपर बताऊँगा, अभी तो मैं उसको आता नहीं है, तो ट्राई जरूर करेंगे। देखो मौसम इस तरह का है, शांत शांत सा मौसम है पूरा। चुका है गाइस, ये देखो बस इसका ना काम था क्या है, बस ये आप गेट पर आके बैठ जाएगा और इससे आगे नहीं आएगा। ये जो वाला ये रहे ना, ये वाला इससे आगे नहीं आएगा। बस जो भी हमारे घर में रोटी वगैरह होती है उसको दे देते हैं हम, आगे नहीं आता, पता नहीं क्या करना है। बस यहाँ पे बैठ के ना मैं ब्लॉग बनाऊंगा, यहीं पे रहेगा ये, कहीं आगे नहीं आएगा। बस यहाँ पे गेट पे बैठ जाता है और पशु को अंदर नहीं आने देता, इतना काम करता है। चलो उसके पास चलते हैं। ये आ गया हूँ मंदिर में और मैं आपको दिखाता हूँ, शायद शंख दिखाता हूँ आपको। चलो चलते हैं अंदर, हल्का सा अंधेरा होगा फिर उजाला हो जाएगा। ये देखो मस्त, अभी मैं मंदिर के अंदर पड़ा है, तो आज प्रैक्टिस करूँगा मैं। शाम को आरती वगैरह करेंगे उस टाइम करूँगा, क्यों दिन में तो बजाना सही नहीं हो जाता। तो सुबह बजा सकते हैं, सुबह सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक, और शाम को आरती के टाइम बजा सकते हैं, दोपहर को नहीं बजाते। तो मंदिर में तो वैसे बजा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, हम शाम को ठीक रहेगा तो प्रैक्टिस करेंगे। चलो अभी मैं उठाता हूँ और लेके आता, थोड़ा सा दिखाता हूँ आप, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। शंख इस तरह का दिखता है, तो प्रैक्टिस करेंगे आज। तो मैंने एक दो बारी ट्राई करके देखा था, मेरे से नहीं हुआ। तो इसको बजाने के लिए पहले देखते हैं, आप ट्राई करके देखेंगे, आप जा शेयर करेंगे। तो अभी तो टाइम ही नहीं हुआ ना मंदिर का भी, तो अभी टाइम पड़ा है, तो कुछ देर वेट करते हैं, उसके बाद में ट्राई करेंगे। तो कुछ पापा जी से टिप लेंगे, उनसे पूछेंगे। चलो ट्राई करेंगे बाद में, एक बार मैं रख देता हूँ, एक बार मंदिर का टाइम होने दो, आरती वगैरह फिर करेंगे। तो गाइस सनसेट भी होने वाला है और हल्के फुल्के बादल दिख रहे हैं। तो ये मौसम ऐसा चल रहा है फिलहाल में, सामने आपको ये ज़्यादा ना इस कारण दिख रहा है। ये देखो सामने सन, यहाँ पे मस्त नहीं दिखता ना, मैं आपको पूरा दिखाता, सामने घर वगैरह है ना, तो नहर आ जाती है, तो उसके कारण नहीं, पूरा प्लेन एरिया होता ना, जैसे खेत हो गए, जैसे कोई लेक वगैरह नदी वगैरह होगी ना, उसमें स्पष्ट दिखते हैं, तो ये वाला है नहीं, तो इस कारण पूरा आज तो पूरा साफ ही है। वैसे ये हल्के फुल्के बादल धोते ही आराम से, तो एक बार ही दिखाया था मैंने, कहीं अच्छी लोकेशन पे जाने दो, वहाँ पे दिखाएंगे मस्त।
तो गाइज अभी आधा घंटा बचा है, उसके बाद हम करेंगे आरती और पापा जी जोत पर अपने मंदिर में करेंगे। तो इसमें मैं उनसे पूछूंगा, उसके बाद मैं अब जाकूँ, पहले एक बार वो कर देंगे ना पूरा, तो मेरे से क्या बजेगा नहीं, तो फिर पापा जी बजाएंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो पहले मैं, मेरे को आता नहीं, फिर बीच में रुकना भी नहीं चाहिए ना, तो 5 बार बजाते हैं उसको, तो एक बार पूछ लेंगे फिर बजाएंगे हम। तो आज के ब्लॉग ये देखने को मिलेगा, तो अभी पड़ा है फिर आधा घंटा, उसके बाद में मिलते हैं। तो मैं अंदर आया था, मैंने लाइट वगैरह जगा दी है, तो अभी बस जल्दी आपको ट्रेवल लोग देखने को मिलेंगे। तो ये तो थोड़े घर घर के देखने को मिलते हैं, तो अभी शुरू करते हैं, तो जल्दी आपको उसे देखने को मिलेगा। अगर इधर तो थोड़ा अंधेरा होने वाला है, तो चलो अब आरती भी मिलेंगे, सीधा आरती वगैरह करेंगे ना, फिर मिलेंगे। चलो अभी मैं ट्राईपॉड का यूज़ कराऊँ, दोनों हाथ मेरे खाली है, तो ओनली ट्राईपॉड मैंने रख रखा है यहाँ पे। जब मेरे को सामने कुछ बोलना हो ना, फिर मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, नहीं तो मैं सीधा हाथ से बना देता हूँ। इसमें क्या था, पूरा एंगल आ जाता है। चलो अभी ना के मंदिर में आ चुका हूँ, तो आरती वगैरह हो चुकी है, तो मैं सिर्फ शंख की प्रैक्टिस के लिए आया हूँ। तो आज मन करा था जाने को, मैं उस और सीख लेते हैं, तो 2-3 स्टेप करूँगा मैं अभी, तो प्रैक्टिस करूँगा, तो एक दिन में तो नहीं आएगा, तो जब भी प्रैक्टिस करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर ब्लॉग एंड कर देंगे। तो अब तो 8 बज चुके हैं, तो 7:15 हमने आरती की थी, तो इस टाइम तो अब पापा मम्मी तो जा चुके हैं भजन करके, तो आरती वगैरह कर दी थी हमने, वहाँ पर बहुत देखा होगा शायद। उसके बाद मैं नहाने चला गया, तो चलो अब मैं शंख बजाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। तो गाइस मैं करने वाला हूँ प्रैक्टिस शंख की, तो ये रहा शंख, तो इसके कई नियम भी होते हैं, तो मम्मी पूछा था मैंने, तो मंदिर में से 5 बार बजाते हैं। तो अभी मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा, फिर इसको धो के रखें, अभी धुपा हुआ ये, तो जब बजाने से पहले इसको अच्छी तरह धोया जाता है, फिर बजा के फिर दोबारा इसको धोते हैं। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ, तो 2-3 बार प्रैक्टिस की थी मैंने फर्स्ट में, तो नहीं हुआ मेरे से, अभी ट्राई करते हैं। तो इसके भी नियम होते हैं, इसे भी सीखना पड़ता है। तो डायरेक्ट फूंक मारेंगे ना, तो मुँह से लगाएंगे तो नहीं बजेगा, इसको साइड से हल्का सा अपने मुँह में बजाना पड़ता है, फिर ये बजता है। तो जो ये स्पेस होता है इसके अंदर, ये 4 उंगलियाँ से लगाते हैं, तो थोड़ा ऐसा पकड़ते हैं इसको, तो नीचे गिरे ना, नीचे गिरते ही ये खंडित हो सकता है, खंडित बोलते हैं इसको, ऐसे पकड़ के। तो यहाँ से ट्राई करता हूँ, सिर्फ 3 स्टेप ही करूँगा, फिर कट कर देंगे, तो फिर मैं इसको क्लीन कर रख लूँगा। तो पहला स्टेप हो गया, नहीं बजा, मेरे से तो नहीं बज रहा है, प्रैक्टिस करता मैं तो नहीं, तो काफी दिनों से ट्राई किया,
गाइस ब्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ, और मैंने हल्का फुल्का अंतर बैठ के प्रैक्टिस किया तो मेरे से तो सही नहीं बजा वैसे, तो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए, तो डेली मैं अपडेट करूँगा, तो कल देखूँगा मैं बिना ब्लॉग के करके देखूँगा, जब भी मेरे को आ जाए फिर मैं आपको बजा के दिखाऊँगा। तो थोड़ा सीखना पड़ता ना, एक थोड़ा हल्का सा सेटिंग करना पड़ता, मैं सीखूँगा तो और टिप लूँगा मैं, फिर मैं सीख पाऊँगा। वो फर्स्ट टाइम था इस कारण मैं थोड़ा सही नहीं बजा पाया, तो एक बार ट्राई किया मैंने। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट दोस्तों, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और गर्मी काफ़ी है ना इस कारण अभी मैं नहा था और पसीना पसीन हो गया, तो धीरे धीरे ट्राई करूँगा, फिर मैं आपको बजा के दिखाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।